मुजफ्फरनगर में अपर जिला अधिकारी सत्र और न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 18 साल बाद कोर्ट ने उपद्रवियों को सजा सुनाई है। तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस चौकी को फूंक कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 26 में से 25 लोगों को 5-5 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं, जबकि एक दोषी को पुलिस बीमारी के चलते कोर्ट में पेश नहीं कर सके। ये 2002 में घटना हुई थी थाना सिखेड़ा में, जिसमें भंडूर जो चौकी थी उस पर पथराव हुआ था और उस पर उसको जला भी दिया गया था। उसमें मुकदमा कायम हुआ था कई दो के खिलाफ। उसमें 147, 148, 436, 436, 332 विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। कल अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 ने इन सभी 26 लोगों को इस घटना में दोषी पाया था और आज उसमें सजा घोषित हुई है। सभी 26 लोगों को भी जो है विभिन्न धाराओं में सजा हुई है, लेकिन मैक्सिमम सजा उसमें 5 साल की हुई है 436 धारा में, और 3,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। और वो सभी को कल जेल भेज दिया गया था और आज उसको कल गिल्टी होल्ड करके आज सजा सुनाई गई है।